ओके हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स। ठीक है, ओके इवेंट्स का मतलब अगर कोई बताना चाहे, किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो, नो हाउ है। जी आप हाँ, तुम्हें पता होगा ना कुछ ना कुछ तो इवेंट्स का। ये तो चलो आंसर है, लेकिन क्या कहेंगे, एक्सप्लेन करने को बोला जाए आपसे इंटरव्यू में कि व्हाट इज इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, उसको क्या आंसर करेंगे। आपका जो जवाब है वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं जाहिल हूं, कुछ नहीं आता, उसको कैसे समझाओगे। जी सही है, आपके कुछ करने पे कुछ होना, सही है। आपने अगर कुछ करना चाहो, मैं अगर चाह रहा हूं कि ये जो ये आपको एरो दिख रहा है, इसके क्लिक करने पे ये विंडो शो हुई, ठीक है। एक दो एक्शन परफॉर्म हुए, एक मैंने क्लिक किया, दूसरा कुछ ना कुछ शो हुआ, ठीक है। तो ऐसी जो भी चीज होती है उनको करने के लिए आप यूज करते हो इवेंट्स यूज करते हो, ठीक है, जिनमें आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होने वाला इवेंट है वो है आपके पास ऑन क्लिक, ठीक है। हम देखते हैं हम इवेंट्स को कैसे यूज करेंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सही है, टेस्टिंग कंसोल डॉट लॉग लर्निंग इवेंट्स, ठीक है। ये कितने के तरीके से कॉल हो सकता है, कितने तरीकों से कॉल हो सकता है, जितने तरीके मैंने पढ़ाए हैं बताओ। एक तो कॉल किया जा सकता है, सही है, और क्योंकि नेम डिफाइन है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, इज दैट करेक्ट। ठीक है, अगर मैं लिख दूं टेस्टिंग, कॉल कर दूं, तो ये हमारे पास आ रहा है लर्निंग इवेंट, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल आर, मेरे पास कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, ओके जो आपके पास ऑन क्लिक का आपके पास इवेंट है, ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं ये ऑन क्लिक का इवेंट बता रहा है। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट पर क्लिक होना, किसी पर एलिमेंट पर क्लिक करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके आपको HTML में मैंने एक टैग पढ़ाया था विच इज बटन पढ़ाया था, ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं सबमिट, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास एक बटन निकल कर आ गया, ठीक है। इसके स्टाइलिंग आप मेरे से बेहतर कर सकते हो आप, ठीक है, ओके वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आप जो आंसर दे रहे थे वो कुछ और था, लेकिन किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होगा, उसका नाम है ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू। यहां पर तुमने वो फंक्शन डिफाइन करना है जो इस बटन के क्लिक होने पर वर्क करे, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया था आपके सामने टेस्टिंग, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, चला कर देखते हैं, सेव कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही उस पर क्लिक किया तो मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। जी बिल्कुल ठीक है, जहां पर भी आप ऑन क्लिक लगाओगे तो जैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है आप उसको बताओगे कि इसको कॉल करना है, सही है, ठीक है। सेव किया और अब हम जाते हैं कंट्रोल आर, सबमिट का बटन मैंने दबाया तो मेरे पास लर्निंग इवेंट्स करके आ रहा है, ठीक है। एक बनाते हैं किसका, एक दो इमेजेस उठा लेते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट एंड इमेजेस, इमेजेस का एक फोल्डर बना लिया, यहाँ पर एक दो इमेजेस मंगवा लेते हैं, ठीक है। ये सही है, सेव इमेज। फोर जावास्क्रिप्ट, 25 इमेजेस, और यहां पर मैंने कर दिया इसको पीओपी का, ठीक है। एक कप हो गया और एक हमारे पास आ जाता है मग, सही है। इसको उठा ले, सेव इमेजेस, और यहाँ पर इसको सेव कर, नॉट दिस, MUG.png, ठीक है। हाँ ओके, इमेजेस को HTML पे कैसे रेंडर करवाएंगे? मेरे पास दो इमेजेस हैं, जल्दी से बताओ, जब तक मैं यहाँ पे एक लिंक का टैग लगा लेता हूँ। लिंक सीएसएस को इंटीग्रेट करना है, यहाँ क्या लिखूंगा? एक सीएसएस की फाइल भी जल्दी से बनानी है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस, और आगे टाइप बतानी पड़ेगी, टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो फाइल बना के दे रहा है, बिल्कुल सही है। और मैंने बोला कि जितनी भी IMG की फाइल्स आए तो उसकी आपने क्या करनी है, हाइट जो है वो 200 पिक्सल और विड्थ जो है 200 पिक्सल, बस सेव किया और वापस आते। IMG टैब, हमारे पास SRC और ऑल्ट होता है, ठीक है। तो ऑल्ट क्या करता है, कौन बताएगा मतलब इसका? और आसान लफ्जों में कोई बताए। ठीक सबके आंसर सही हैं, लेकिन बहुत आसान लफ्जों में अगर आंसर देना हो तो आंसर ये है कि अगर इसमें वैल्यू गलत जाएगी तो ऑल्ट वर्क करेगा, SRC की वैल्यू अगर गलत जाएगी तो ऑल्ट वर्क करेगा, ठीक है। ओके, मुझे करंट डायरेक्टरी से फाइल उठानी है, क्या लिखूंगा? डॉट स्लैश इमेजेस कप डॉट जेपीजी, ठीक है। ऑल्ट मैंने लिख दिया कप, ठीक है। और देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, बिल्कुल मेरे पास कप आ रहा है, सही है। तो अगर मैं इसके पास भी, मैंने बोला कि ऑन क्लिक और टेस्टिंग की पास कर देते हैं, कॉपी किया इसको, सेव किया, वापस आते हैं आर, इस पे अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास सेम चीज परफॉर्म हो रही है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी ऐसी चीजें होंगी, टैग्स आपके पास हैं, उन पर अगर क्लिक करने पर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए आप इवेंट यूज करोगे विच इज ऑन क्लिक, और वो आपका काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा माउस को देखना, ठीक है। इसको हम सेंटर में कर देते हैं, मैं यहाँ पर, मुझे बटन के नीचे इमेज चाहिए, क्या लगाऊंगा बटन के ये देखो बराबर में आ रहा है, बराबर में नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, क्या लगाऊंगा? हाँ, BR/BR/ सेव किया, वापस आते हैं आर, बिल्कुल सही है। एक दो और लगा देते हैं, दो तीन, सेव, वापस, ठीक है। अब जरा देखने क्या हो रहा है, इमेज की हाइट विड्थ नजर आ रही है और मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ठीक है। अभी कर्सर कहां पर है, इमेज के ऊपर, और अब कहां पर है, अब इमेज के बाहर है, सही है। इसको मैं यहां से हटा, ऑन क्लिक, क्लियर है सबको? मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं,
तब वो वाला फंक्शन चले, कौन सा, टेस्टिंग का जो मैंने बनाया था। सही है, जैसे ही कर्सर लेकर जाऊं, ठीक है, ना के दबाऊं, ना के क्लिक करूं, जैसे ही कर्सर लेकर जाऊं वो जो फंक्शन मैंने बनाया था वो वर्क करे। उसके लिए आपके पास जो इवेंट है विच इज ऑन माउस ओवर, ठीक है, ऑन माउस ओवर, ठीक है, और इसमें हम पास कर देते हैं एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन माउस ओवर हैंडलर, ठीक है, और यहां पे लिख दिया कर्सर इज ऑन माउस, नॉट कर्सन, कर्सर, कर्सर इज ऑन इमेज, इमेज बता नहीं रहे हो सारे, ठीक है, गलत करने पे इसको मैंने कॉपी कर लिया और वापस आता हूँ यहाँ पर ऑन माउस ओवर में मैंने इसको बता दिया, और रन करके देखते हैं। हाँ, कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल किया और सेव किया, वापस आते हैं आर, ठीक है, क्या रन होना चाहिए, कर्सर इज ऑन इमेज, एरो लेकर गया और उसने बता दिया कर्सर इज ऑन इमेज, वापस हटाया, अगेन लेकर गया कर्सर इज ऑन इमेज। जब आप किसी जगह पर, किसी वेबसाइट पर ये वाली फंक्शनैलिटी देखते हो ना कि एरो लेकर गया और टेक्स्ट आ गया, वो काम होता है ऑन माउस ओवर से, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में किसी जगह पर अगर कोई आपने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यूं यूं एनिमेशन जो हो रही है वो जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो रही होती है, और उसपे पीछे जो हैंडलर लगा हुआ होता है वो ऑन माउस ओवर है, बेशक जो एनिमेशन होगी वो आपके सीएसएस ही कंट्रोल करेगी, लेकिन जो यूं यूं चीजें हिल रही हैं वो इसकी वजह से हो रही हैं, ठीक है, ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही माउस हट जाए तो भी बताए, ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूं, माउस आउट हैंडलर, कर्सर इज नॉट कर्सर इज नॉट ऑन इमेज, सही है, सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है, और अब मैं ऑन माउस ओवर भी है मेरे पास, ठीक है, और मैं यहां पर अब एक और इवेंट यूज करूंगा, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, ठीक है, और यहां पर मैंने इसको कॉल किया और मैंने फिर डिफाइन करके उसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, ऑन माउस आउट, सेव किया और वापस आते हैं आर, कर्सर इज ऑन इमेज, सही है, ये कौन सा वाला चला है, माउस ओवर वाला, ठीक है, कर्सर इज नॉट ऑन इमेज, ठीक है, जब पुरानी चीज वैसे ही करनी होगी तो आपने जो ऑन माउस आउट वाला फंक्शन है उसपे काम उसको करके बताना होगा कि जब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं तो जैसा पहले था वैसे ही दिखा दे, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आपने इनको यूज करना है बहुत ज्यादा, ओके। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं बुक वाले, और कोई चीज बता रहे हैं, ऑन क्लिक हो चुका है हमारे पास, पॉपअप क्या, वो तो एक एक फंक्शन का नाम है और उधर से उन्होंने कुछ भेजा हुआ है, बस ये है, ओके, एक काम करके देख लेते हैं, अभी सपोज कर लेते हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1, सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं और 1,
उस पर मैंने क्लिक किया तो लर्निंग इवेंट्स मेरे पास लिखा आ रहा है, ठीक है। यहां पर जो रिसीव होता है उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराम्स, और लर्निंग इवेंट्स मैंने लिख दिया पैरामीटर्स, पेस कॉलन पैराम्स, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं आर, और वो मुझे अनडिफाइन बता रहा है। इसका रीजन सही है। वापस आते हैं और यहां पर जहां मैंने वो डिफाइन किया हुआ है उसके ब्रैकेट में मैं अगर कोई चीज भेजूंगा यहां से, तो वो मैं भेजूंगा ऑलवेज स्ट्रिंग में, जो कि मुझे अब बता रहा है कि आपने जब एक दफा डबल कोटेशन यूज कर लिया है तो आप वो दोबारा स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब वो हमें एरर नहीं दे रहा, मैंने यहाँ पे लिख के भेज दिया वन, ठीक है। सेव किया आर, मेरे पास वन आ गया, वन आ गया। टू दबाएंगे टू आ जाएगा, एक कैलकुलेटर पे प्लस करा दोगे कैलकुलेटर बन गया, सही है। कैलकुलेटर ऐसे ही बनाना है आपके, जो ये आपको प्रोजेक्ट लिस्ट दिख रही है ना, इसमें जो ये आपके पास सबसे पहला कैलकुलेटर है ये ऐसे ही बनेगा। एक को क्लिक किया, एक की वैल्यू आई, वापस आते हैं, दूसरा बटन बनाया, सही है। यहाँ पे लिखा btn टू हैंडलर, और यहां पर भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया टू, btn टू हैंडलर को कॉपी किया, सेव किया। वापस जावास्क्रिप्ट में आते हैं, यहाँ पर फंक्शन btn टू हैंडलर कॉपी num console dot log num space colon num, सेव किया। वापस आते हैं r, टू तो चेंज ही नहीं करा, टू किया वन टू, ठीक है। अपने पास बुला के डेटा टाइप चेंज करो ना, अपने पास यहां पर बुलाने के बाद तो मुझको बोलो कि भाई आप ऐसा करना कि मुझे ऐसे दिखाना, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं। अब अगर वन पे क्लिक किया तो वो वन ही आ रहा है, क्यों? टू के ऊपर नम डाला है, जी सही है। अपने पास हमेशा डेटा बुलाओ पहले, फिर उसके साथ जो भी करना है, फंक्शनैलिटी करनी है या जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं ये क्या कह रहे। तो आपने HTML से पैरामीटर्स का डेटा उठाकर कहाँ भिजवा दिया, कहाँ भिजवा दिया, डॉम पर, और जावास्क्रिप्ट के पास, कि भाई यहां से अगर डेटा एक्सेस करना हो तो क्या करते हैं। ओके, एक और चीज करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑन माउस आउट ऑन माउस ओवर चलते रहेंगे। इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको जरा चला लेते हैं, सही है। ऑन माउस आउट ऑन माउस ओवर क्लियर है? अगर ऑन माउस आउट ऑन माउस ओवर से भी अगर आपने पैरामीटर में डेटा रिसीव करना होगा तो वो भी रिसीव होगा, ठीक है। ऑन क्लिक पर वापस आते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा इमेज हैंडलर, और यहाँ पे पास करवा दिया डिश। डिश के लिए मैंने बताया था इसके बहुत सारे सिंटेक्स हैं, इसके बहुत सारे मीनिंग है, तो वो सारे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद रहेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जब दिस यूज हो रहा होगा, दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो यूज हो रहा है उसकी बात हो रही है, क्लियर है। अगर बिल्कुल ग्लोबली दिस की बात करें तो दिस मीन्स आपकी होल विंडो, सही है। उसके अंदर आपको तमाम फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे दिस पास करा के देख लेते हैं कि वो हमें क्या ला कर देता है। सेव किया, वापस आते हैं। एक टॉपिक का नाम बता देता हूँ जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप जाकर पढ़ना, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है? ओके, यहां पर आता हूं, फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, यहां से पैरामीटर्स का ये उठा लेते, कॉपी किया इसको और यहाँ चिपका दिया, पैराम्स, ठीक है? अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, बल्कि इसको हटा देते हैं, ये जो पैरामीटर्स ये आ रहे हैं ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है? सेव किया, किस पे बनाया है? ऑन क्लिक, बिल्कुल ऑन क्लिक, इमेज हैंडलर दिस, सेव किया, लाइन नंबर 20, और इमेज नहीं आई, क्यों? वही वाली इमेज पास कर दी है, मग डॉट पीएनजी और इंस्टेड ऑफ कप नाउ मग, सेव, और ठीक है, पूरा एचटीएमएल का एलिमेंट उसने आपको लाकर दे दिया। व्हेन यू पास दिस इन द आर्गुमेंट ऑफ एचटीएमएल फॉर ऑन क्लिक, तो उसने आपको, जब आप आर्गुमेंट में दिस भेजोगे किसी फंक्शन के, वो डिफाइन है एचटीएमएल में, तो दिस मींस वो पूरा टैग जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है? क्लियर है? वो पूरा उसने हमें टैग उठाकर दे दिया है। और अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो दिस विल बी कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट, क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं। हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सपोज कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आईएमजी। इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, एसआरसी, ऑल्ट, ऑन क्लिक, ठीक है? तो मैंने बोला ऐसा करो, पैराम्स डॉट एसआरसी, दिखाओ क्या आता है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है? उसने आपके फाइल की जो कंप्यूटर की लोकेशन थी, बिल्कुल सही उठाकर दी है, ठीक है? इस टॉपिक को जाकर पढ़ना, एवरीथिंग जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं दिखाएगा वो, ठीक है? देखो, जब आप दिस पास करोगे किसमें, उस फंक्शन में जो आपने कॉल किया हुआ है किसी टैग में एचटीएमएल की फाइल के अंदर, अगर आपने यहां से आर्गुमेंट में भेजा दिस, तो डेट मींस जिस फंक्शन में वो दिस पास किया गया है, उस पूरे एलिमेंट की बात हो रही है, उस पूरे टैग की बात हो रही है, ठीक है? और जो मैंने ये अभी टॉपिक बताया है, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, तो अगर वो उसको, उसने ये आपको दिया आईएमजी, तो ये उसने उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, और इसके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास एज एन प्रॉपर्टी कंसिडर होंगे। तो डॉट ALT लिख के देख लेते हैं, ALT में हमने क्या पास किया हुआ है, मग, ठीक है? सेव किया, वापस आते हैं, आर, मैंने क्लिक किया, उसने मुझे मग ला कर दे दिया, बिल्कुल ला कर देगा, LI ला कर देगा, बिल्कुल जिस पे क्लिक हो रहा है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है? लेकिन आपको ख्याल करना पड़ेगा कि ये हर किसी पे ऑन क्लिक लगाने का नहीं होता, अगर आप नेविगेशन बना रहे हो तब ठीक है, सही है? देखते हैं और क्या कह रहे हैं ये लोग। व्हेन द यूजर क्लिक द लिंक, इवेंट हैंडलर कॉल्स अ फंक्शन पासिंग आर्गुमेंट हाई, द फंक्शन डिस्प्ले एंड अलर्ट सेज हाई। ओके, ठीक है, इससे आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? इवेंट्स बटन लगा कर देख चुके हैं, इस तरह भी करके देख चुके हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास जो होता है इनपुट, उसमें भी बटन बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हम बटन से ही काम करेंगे, ठीक है? ए का जो टैग होता है एचरेफ वाला, उसके अंदर इमेज लगा दिया, और इमेज के अंदर ऑन क्लिक पास कर दिया तो भी वर्क करेगा, सही है? ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें बता रहा है, मेरे से कम वाली, तो आप अगर ये ट्राई करना चाहो तो कर लेना, कुछ ना ट्राई करना चाहो तो ये लिंक तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर चैप्टर के जो लास्ट पे लिंक है, वो अगर सारे सॉल्व कर लिए तो सारी बुक आपको आती है, ये बात याद रखना, जो चैप्टर के लास्ट में लिंक है, 10 से 15 सवाल होते हैं, वो अगर सारे सॉल्व कर लिए तो सारी बुक आ जाएगी, इस बात की गारंटी है, बगैर देखे, ठीक है? इवेंट्स माउस,
ऑन माउस ओवर कर चुके हैं, SRC देश। ये भी कर चुके हैं। अच्छा चलो एक एक चीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप लोग बताना, हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। ये चीज हम दूसरे तरीके से करके देखेंगे, ठीक है? जब हम कहाँ पे जाएंगे, जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है डॉम। अभी है तो हम इवेंट्स पे चले गए ना, डॉम पढ़ना था लेकिन इवेंट्स पहले पढ़ने थे। ये हम डॉम से करेंगे लेकिन जरा इससे करके देखते हैं। पैराम्स डॉट SRC क्या आ रहा था हमारे पास? सेव किया और वापस आते हैं और क्लिक किया, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है? हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमारे पास ये हमारा फोल्डर है, ठीक है? फोल्डर के अंदर इमेजेस रखी हुई है, इमेजेस के अंदर हमारे पास कप भी रखा हुआ है, मग भी रखा हुआ है, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, सही है, टेस्टिंग कर रहे हैं हम। वार रिप्लेस URL इज इक्वल टू दिस करंट डायरेक्टरी, कैसे कैसे एक्सेस करूंगा? डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कप डॉट JPG, और हमारे पास क्या है? मग डॉट JPG, ठीक है? आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ, कॉपी किया इसको, ये तो रहने ही दो, बल्कि नहीं, आप SRC नहीं, आप ये ले आना, ठीक है? पैराम्स, चलो इसको बाउंड भी कर देते हैं ना ताकि मसला ना हो। इफ पैराम्स अगर मिल जाए तो फिर क्या कर देना, ब्रैकेट में आप ये लगा देना कि पैराम्स डॉट SRC इज इक्वल टू रिप्लेस URL। जी किस किस को नहीं समझ आया क्या हुआ है? समझ आया? ठीक है, जबरदस्त। भरोसा नहीं है कि वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसको काम करने के बहुत अच्छे और तरीके हैं, सही है? लेकिन जब तक टेस्टिंग या उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगे, काम नहीं सीखोगे, ठीक है? सेव किया और वापस आते हैं, हमारे पास आर, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया भाई। क्या डिले कंट्रोल शक्ति? डिले तो नहीं आ रहा यार, डिले सिस्टम का आ रहा होगा या जूम का आ रहा होगा, मेरे पास डिले बिल्कुल नहीं आ रहा, सेकंड भी नहीं लग रहे। जी क्या कह रहे हो आप? देखो बात सुनो, इसको देखो, ये जो हमारे पास कप आ रहा है यहाँ पर, पहले एक मिनट, कंट्रोल आर एलिमेंट्स, मैंने आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पढ़ाया था, एलिमेंट्स पर गए और यहाँ पर देखो क्या रखा हुआ है, मेरे पास इमेज रखी हुई है जिसके अंदर इमेजेस, और वो बता रहा है मग डॉट PNG नजर आ रहा है, ठीक है? मग डॉट PNG जैसे ही नजर आया, अभी मैं कंसोल नहीं खोल रहा, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ही दिखा रहा हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, तमाम लोग बहुत सारे के सारे यूज करो, ठीक है? अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देखना इमेज को जरा, वो उसने रिप्लेस को, उसके URL को रिप्लेस करा किससे, कब से, और आपकी इमेज भी रिप्लेस हो गई, ठीक है? सेम चीज तुम कर सकते हो, ऑन माउस आउट, जैसे ओवर करो इमेज चेंज हो जाए, और आउट करो तो पहले वाली आ जाए, सही है? ये आपका टास्क होगा, जब अभी 10 मिनट होंगे ना तो आपने ही करना है। क्या करना है दोबारा सुनो, ऑन माउस ओवर जब करें तो दूसरी वाली इमेज आ जाए, आउट करें तो जो पहले थी वो वाली आ जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा वहां तक पहुंचने तो दो सर, वहां तक पहुंचने बिल्कुल कर सकते हैं, हर चीज करेंगे। क्या रिटर्न करने की जरूरत नहीं है ना? रिटर्न का मतलब, रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझो, रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये है फंक्शनल, फंक्शन की कैलकुलेशन को कंप्लीट करके पूरा फंक्शन रिटर्न हो जाए। अभी तो फंक्शन सिर्फ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, ओवरराइड की है। इसमें ऐसे चेंज होगी कि देखो ये जो इमेज है ना, ये आपको जब डिस्क में आपने इसको एक्सेस किया तो ये आपको एक्सेस हुई एज एन ऑब्जेक्ट, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, SRC हो गया, ऑल्ट हो गया, ऑन क्लिक हो गया, इसको आप डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप ऐसा करना, पैराम्स के अंदर जो SRC रखा हुआ है उसके बजाय ये वाला URL रख देना जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं, बिल्कुल चेंज करेगा आप।
हाँ बिल्कुल सब कुछ करके देगा, मैं वही बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से करने के और मेथड हैं, लेकिन आप इससे भी करके देखो, वरना आप इससे नहीं करोगे, ठीक है? आप जो चीजें मैं बाद में बताऊंगा डॉम से, आपने उसी से करना है, ठीक है? ओके, और देखते हैं बुक वाले क्या कह रहे हैं। ऑन माउस ओवर हो गया, ये भी हो गया, और ऑन माउस आउट भी हो गया। फोर्टी 48 इवेंट्स फील्ड्स, ठीक है, सही है। कैलकुलेटर के लिए अभी थोड़ा सा रहता है, मैं नहीं, ज्यादा बच्चे अभी से भाग गए हैं। ऑन ब्लर इसकी नीड नहीं है, ये जो है अभी इसकी नीड नहीं है। ऑन फोकस इसकी भी नीड नहीं है, ऑन ब्लर ऑन फोकस इसकी नीड नहीं है। रीडिंग वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इवेंट्स जो है वो खत्म होता है, बस आपके पास यही टॉपिक है, ठीक है? तो आपके पास जो है 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेरा जो टास्क है वो दोबारा सुन लो, ठीक है? ये देखो, इस पे माउस जो इमेज है लेकर गया तो दूसरी इमेज आ गई, जब हटाया तो पहली वाली इमेज आ गई। ये करना है हर किसी ने अपना इंडिविजुअल। अभी देखो क्या हो रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो नहीं किया उसने, क्यों? क्योंकि पहले से ही रिप्लेस हुई हुई थी, अभी क्लिक पे रिप्लेस हो रही है ना, आपने ऑन माउस ओवर पे रिप्लेस करानी है, ऑन माउस आउट पे रिप्लेस करानी है, क्लियर है? ठीक है, ये सबके पास खुला हुआ है, आपके पास कोड खुला हुआ है, आपने देख के सब कुछ करके दिखाना है, HTML देखना है, वो तो वो ये रहा, सही है? 8:35 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं हर किसी का इंडिविजुअल आकर देखूंगा, सही है?